करते गरीबों के, भाई ये सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकते। कांग्रेस बीजेपी के बस की बात नहीं है सरकारी स्कूल ठीक करना। एक शख्स आया आजादी के बाद 75 साल के बाद जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे को सर जेल भेज दिया इन लोगों। तो दोस्तों, जो काम दिल्ली में करे, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, करवा सकते गरीबों के, भाई ये सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकते। कांग्रेस बीजेपी के बस की बात नहीं है सरकारी स्कूल ठीक करना। एक शख्स आया आजादी के बाद 75 साल के बाद जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे को सर जेल भेज दिया इन लोगों। तो दोस्तों, जो काम दिल्ली में करे, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, अलग लड़ाई मची पड़ी है कांग्रेस में, अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? सत्ता की लड़ाई है, आपके लिए थोड़ी लड़ रहे हैं ये। सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, बीजेपी में भी सीएम की कुर्सी, आपके लिए नहीं लड़ रहे ये लोग। और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी दोस्ती है कि नहीं है? अशोक गहलोत पे थोड़ी सी आंच आ जाए, वसुंधरा राजे पूरी बीजेपी खड़ी कर देती है उसके लिए। वसुंधरा राजे, बीच में बात चली थी वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं बीजेपी वाले, अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस लगा दी उसके समर्थन में। तो ये अलग अलग पार्टियां थोड़ी हैं, एक ही पार्टी है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी, एक ही पार्टी है। तो जिसकी मर्जी सरकार बना दो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी। चाहे जितने कच्चे मुलाजिम थे पंजाब सरकार में, जितने कच्चे मुलाजिम थे सारे पक्के कर दिए इन्होंने। अब राजस्थान में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक घर में जा जाके वोट मांगनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों पार्टियों का तो देख रहे हो लड़ाई मची पड़ी है। बीजेपी सड़कें बनवाई, इतने काम करे, वो सारे काम अब पंजाब में मान साहब ने शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर अब स्कूल ठीक होने लग गए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, पर 500 मोहल्ला क्लिनिक बन गए गली गली के अंदर पंजाब के अंदर। दवाइयां फ्री मिल रही है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह, इलाज फ्री होने लग गया, बिजली फ्री कर दी, नौकरियां दे दी, 27,000 सरकारी नौकरियां दे दी एक साल। एक ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ, ईमानदार सरकार ले आओ, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। भगवंत मान को भी राजनीति करनी नहीं आती, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, स्कूल बनवाने आते हैं। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना, स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल।